हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये था धनतेरस वाला दिन जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी, और मैं फर्स्ट टाइम अपने घर फ्लाइट से जा रही हूँ क्योंकि पहले वहाँ पे फ्लाइट नहीं था। और मोदी जी के चलते हुए अभी यहाँ पे उड़ान योजना के तहत फ्लाइट आ गया है, तो मैं पहली बार फ्लाइट से गई। हालांकि फ्लाइट से जाने का ऑप्शन इसलिए भी नहीं मिला था बिकॉज ऑफ कोविड। मैं बहुत दिन से फ्लाइट का ऑप्शन चूज़ भी नहीं कर रही थी, तो बाई बस हम लोग जाते थे। तो अभी अच्छा है कि फ्लाइट हो गई है, तो अभी मतलब हम घर जाने के लिए बैक टू बैक प्लान भी कर सकते हैं। और होप कि ये कोविड का जो सिचुएशन है ये जल्दी से जल्दी टले और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो हम ये जो ऑप्शन हमें मिला है उसको यूज़ कर पाएंगे। और एज़ यूज़ुअल मैं जब भी फ्लाइट में जाती हूँ और अगर ये मॉर्निंग का टाइम रहता है तो मैं शूट ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे बादलों को देखना बहुत पसंद है। और मैंने अपना सीट जो है स्पेशली विंडो सीट मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। और ये देखो अभी हम लोग जगदलपुर पहुँच गए थे, ऊपर से जगदलपुर को देखना कितना अच्छा लगता है। और ये है हमारा छोटा सा एयरपोर्ट, और फिर मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। और ये मेरे घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, ज़्यादा भी दूर नहीं है, बट इस ऑटो वाले ने मुझे बहुत घुमाया है, आप लोग आगे देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने बस ऑटो लिया और मैं चल पड़ी थी घर की तरफ में। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं बस कुछ मेमोरीज है जो कलेक्ट कर रही हूँ, और जगदलपुर जाना तो हमेशा मेमोरेबल होता है, तो ये सब मैं अपने व्लॉग्स में डाल रही हूँ। तो इस जर्नी में ये अच्छा हो गया कि मैं जगदलपुर देखते हुए पूरा घर तक गई। तो यहाँ पे ऑटो वाले ने मुझे पूरा मार्केट के बीच से लेकर गया था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि अभी जो दिवाली का जो सीज़न होता है ना, पूरा मार्केट सजा हुआ होता है, भीड़ भाड़ होता है। और वैसे ये एग्जैक्ट मतलब कि मार्केट से टर्न लेना होता है, तो हम लोग पूरा अंदर तो नहीं घुसे बट हाँ थोड़ा टच करते हुए गए। और अभी तो हर जगह ऐसे रौनक रहती है, और इस बार तो थोड़ा राहत है कोविड से, तो इसके कारण से भी थोड़ी सी रौनक बनी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रंगोली बनाई हुई थी इतनी अच्छी सी, जो मेरा ध्यान गया तो मैंने ये शूट कर लिया। छोटे छोटे शहरों की बड़ी बड़ी यादें। बस फिर पहुंचने ही वाले थे घर, और मज़ा भी आया ट्रैवल करके। फिर ऑटो में जाना, मैंने घर से इसलिए भी नहीं बुलाया किसी को क्योंकि मेरा जो सामान था वो काफ़ी बड़ा था, और मम्मी या पापा फिर से अपनी स्कूटर लेकर आते जिसमें सामान रखने में प्रॉब्लम होता, तो आई थॉट कि चलो ऑटो से ही सवारी की जाए और इतना पास में है तो क्या उसमें घर वालों को बुलाना, इट्स ओके चलता है। तो ये रहा हमारा मोहल्ला और ये पहुँच गए हम। तो यहाँ पे घर पहुँचते ही मैं रेडी होके सीधा मम्मी के साथ मार्केट आई थी, और मम्मी मेरे को पहला शॉप पूजा वाले शॉप में लेके गई थी क्योंकि आज धनतेरस है, धनतेरस के लिए यहाँ पे पूजा के लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए कुछ कुछ सामान वामान ले रही थी। और मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें ले रही थी जो मैंने नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता हुआ था, तो बस मैं शूट कर रही थी। मज़ा आता है नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ये भैया काफ़ी ज्ञान दे रहे थे, वैसे कुछ कुछ समुद्र से निकाली हुई चीज़ें थी जो कि लक्ष्मी माँ में चढ़ती है, तो मैं भी वही चीज़ें देख रही थी। ये मतलब नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल है ये, और ये भी कौड़ी भी नेचुरल है, ये भी लक्ष्मी माता के साथ की है, ये भी लक्ष्मी माता के साथ समुद्र से पैदा हुआ है। एक एक तरह से एक एक सामान निकाला ना, ये सालीग्राम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो बड़ा सा हम तो यहाँ पे अपने साथ मम्मी ने मेरे लिए भी कुछ कुछ सामान ले लिया था ताकि मैं भी इसको रख सकूँ और पूजा कर सकूँ, आज का दिन शुभ होता है, तो हम लोग ये सब ढूंढ ढूंढ के खरीद रहे थे। तो मज़ा आता है ऐसे मम्मी के साथ ऐसे लोकल शॉपिंग करने जाने में। आप ले लिए, और क्या लेना है? थोड़ी छोटा ही दिख रहा है, बड़ा वाला नहीं है।
तो शॉप तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से ये रहेगी दंतेश्वरी माता का मंदिर। ये हम अभी मेन चौक पे हैं और फिर मम्मी चले गए थे दिया लेने के लिए। तो दिया तो वैसे हर जगह हर चौक पे मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ शॉप के काम से, तो हम लोगों ने यहाँ पर से दिया भी ले लिया। तो यहाँ पे चल रही थी थोड़ी सी मोल भाव। वैसे तो हमारे एरिया में दिए हम लोगों ने छोटे वाले ले लिए थे, मम्मी बड़े दिए ले रहे थे, तो थोड़ा मोल भाव तो करना पड़ता है। धनतेरस के दिन जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, भीड़ तो है लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा भीड़ मैंने देखी है, तो अभी तो थोड़ा कम ही लग रहा है मुझे। फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने के बाद पानीपुरी खाने, जो कि हमारी परंपरा है। जब हम मार्केट जाते हैं तो पानीपुरी ज़रूर खाते हैं, और ये भैया के पास मैं हमेशा जाती हूँ और हर बार इनका वीडियो बनाती हूँ। तो ये है दुर्गा चाट भंडार वाले भैया जो पीढ़ियों से हम लोगों को पानीपुरी खिला रहे हैं, और इनका पानीपुरी मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं मिस नहीं करती हूँ घर जाके कभी भी। इस बार मैं सिर्फ एक ही बार खा पाई थी, बट तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी और बारिश होने लगी थी शाम में, और मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी। ये देखो बच्चों की रंगोली, धनतेरस। पटाखे फोड़ फोड़ के दिए भी बुझा दे रहे हैं ये लोग। काय कर रहा है रे लड़का? तो ये दोनों शैतान बच्चे मेरी कजिन के बच्चे हैं, और ये दोनों बहुत ही बदमाशी कर रहे थे। देखो बारिश में ये लोग फटाके फोड़ रहे थे, और वहां पर वो दौड़ भी रहा था लवी, तो बस मैं लोगों के साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी फटाके फोड़ने में। मैं तो इतने बड़े बड़े पटाखे नहीं फोड़ती हूँ, मुझे डर लगता है पटाखे से, बट बच्चों को देखो कितना ज्यादा पटाखे फोड़ते हैं। जा रहा है ये तो अभी तो घर में हमारे सब बड़े बड़े हो गए हैं ना। अब जब हम बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही मस्ती कर करके खेलते थे, बट अब तो हम लोग थोड़े, मतलब कि मैं तो अब ज़्यादा पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ती हूँ। दो तीन दिवालियों से, मतलब मेरे से नहीं होता, मैं ज़्यादा नहीं फोड़ती हूँ। हाँ मैं फुलझड़ी अनारदाने ये सब जरूर जलाती हूँ, बट ऐसे साउंड वाले पटाखे मैं नहीं फोड़ती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये बच्चे लोगों को कितना इंटरेस्ट है कि दिवाली के पहले दिनों से पता ही नहीं शाम से निकल जाते हैं, पटाखे फोड़ते रहते, पटाखे फोड़ते रहते, बारिश हो रही तो भी पटाखे फोड़ रहे हैं। वाह, ये होता है ना एनर्जी लेवल बच्चों का। तो बस धनतेरस वाले दिन मैं यही कर रही थी, क्योंकि बारिश हो जा रही थी और ये दो तीन दिन से बारिश हो रही थी ऐसे घर वालों ने बताया। और बाकी ये दोनों जो है लवी और पाकी, ये दोनों मेरी कजिन दीदी हैं, उनके बच्चे हैं जो कि अभी ऊपर हमारे घर के ऊपर रेंट में रह रहे हैं। तो ये दोनों बहुत मस्ती करते रहते, हल्ला करते रहते, तो थोड़ा घर में चहल पहल रहता है। बाकी तो अब हमारे घर में सब बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चों के कारण से थोड़ा माहौल रहता है, तो वही मैं इन लोगों के साथ मस्ती कर रही थी। तो हुआ यूँ कि मेरा आफ्टरनून शिफ्ट चल रहा था जो 3 to 12 है, और रात के 12 बजे के बाद लॉग आउट होता है मेरा, तो यही हुआ था। और उसके बाद मैं मॉर्निंग उठना था, क्योंकि मैं रात को मुझे नींद नहीं आती 12 बजे लॉग आउट करने के बाद में। मुझे रात के 3:30 तक तो नींद नहीं आई थी, मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे ही सोई थी। और उसके बाद में मुझे सुबह जल्दी उठना था क्योंकि मुझे फ़्लाइट लेनी थी, तो मैं उठ गई थी और मैं बहुत थकी हुई थी बस, तो इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं। बस फिर इन लोगों को मैंने थोड़ा सा कोरियोग्राफी किया और डांस वांस सिखाया, दोनों अच्छा कर लेते हैं वैसे, जो सिखाओ दोनों बहुत इजीली सीख जा रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। अब मेरे पास टाइम पास करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम पास कर लेती हूँ। अच्छा आप लोग गैस करो कि ये कौन सा सॉन्ग में ये दोनों डांस कर रहे हैं। मैं सॉन्ग नहीं डाल रही हूँ, सॉन्ग रिमूव करके डाल रही हूँ, कॉपीराइट हो जाएगा।